दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। संभवतः वो हमारा गोधन लेकर दक्षिण की ओर निकल गए। तो फिर वहां चलो, पीछा करो उसका। जो आज्ञा। गंगा पुत्र, अर्जुन तो सीधा दुर्योधन की खोज में जा रहा है। तो उसे रोके कुलगुरु। वो हम में से किसी एक के रोके नहीं रुक सकता गंगा पुत्र। जो दोन शिष्य अर्जुन का मार्ग रोकने का साहस कर रही है, सावधान। चलिए उधर। जो आज्ञा। सावधान, तुझसे युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है सूतपुत्र। किंतु क्या करूं, तेरी जीभ में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। शब्दों के वान न चलाओ सभ्य बालक, अपना कांडी उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया। सावधान।
दुशासन, पांचाली, ये तुम्हारे केस के लिए। यदि मैंने इस दुष्ट को मार दिया तो मेरे भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अपने घाव से बहते हुए इस रक्त को प्रणाम करो युवराज, आज तुम तरुण हो गए। ये कैसा वाण था? ये सम्मोहन वाण है। परंतु इन्हें सुलाने से क्या लाभ? मार डालिए। नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो इनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए मृतकों के वस्त्र उतारेंगे युवराज? यह आपको शोभा नहीं देता। अब जाइए और कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए। परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा, उन्हें मेरे सम्मोहन वाण नहीं सुला सकते। अब जाइए युवराज। जो आज्ञा। Thank you.
अब तो उनकी हत्या करने में कोई बाधा नहीं, मैं उनके वस्त्र भी ले आया हूँ। बाधा तो अब भी है युवराज, अब मर्यादा की बाधा है। मूर्छित योद्धाओं की हत्या एक क्षत्रिय की मर्यादा नहीं। ये जो मूर्छित पड़े हैं युवराज, ये ऐसे योद्धा हैं कैसे योद्धा आने वाले युगों में कदाचित ही जन्म ले। मैं ये नहीं चाहता कि कल इतिहास इस कुंती पुत्र अर्जुन पर यह आरोप लगाए कि उसने दिव्यास्त्र की सहायता से मूर्छित करने के उपरांत उनका वध कर दिया। यदि मुझे तुम्हारी चिंता ना होती युवराज, तो मैं उन्हें कदाचित मूर्छित भी नहीं करता। इसलिए अब राजधानी लौट चलिए। यदि महाराज लौट आए होंगे तो वे आपकी ओर से चिंतित होंगे। ठहरो युवराज, ये स्थान ब्रह्मनला का है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको पहचान लेने के पश्चात मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे द्रोण शिष्य, मुझे अपना सारथी ही रहने दो। नहीं युवराज, ये उचित नहीं। यदि महाराज को यह पता चला कि वे पांडवों से सेवा लेते रहे हैं, तो इस सूचना के बोझ से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये युद्ध आपने जीता है युवराज, ये युद्ध आपने जीता है। जब आप उनसे यह कहेंगे कि जिस सेना में गंगापुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे सूरमा थे, आपने उस सेना को यूं हरा दिया जैसे पवन धारदार नखों से बादलों को फाड़ कर उनके टुकड़ों को आकाश में बिखेर देता है। यह सूचना सुनकर उनकी आयु दुनी हो जाएगी युवराज, दुनी हो जाएगी। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए युवराज, और मुझे अपने स्थान पर बैठने दीजिए। चाहिए जो आज्ञा। चलें द्रोण शिष्य अर्जुन। हाँ, परंतु लौटना तो आप ही के रथ पर पड़ेगा, और ये अस्त्र शस्त्र भी उसी वृक्ष पे रखने पड़ेंगे। जो आज्ञा। क्या पिताश्री ये मान लेंगे कि मैंने कुरु सेना को परास्त किया है? वो चाहने वाले पिता हैं, वो अवश्य मानेंगे।